अनपढ़ लोग सुरक्षित हैं और पढ़े लिखे लोग हर दिन ठगों के जाल में फंस रहे हैं। आप लोगों ने ये जरूर गौर किया होगा कि आजकल पढ़े लिखे लोग ही फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। एक दौर वो भी था जब अनपढ़ लोग ठगों के शिकार होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अनपढ़ लोग सुरक्षित हैं और पढ़े लिखे लोग हर दिन ठगों के जाल में फंस रहे हैं। इसी किस्से में एक और नया किस्सा शामिल हो गया है। इस बार मुंबई के डॉक्टर को ठगों ने अपना शिकार बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक 27 साल की डॉक्टर से साइबर ठगों ने 7,33,000 रुपए की ठगी की है। यह डॉक्टर मुंबई नगर निकाय द्वारा संचालित एक अस्पताल में अपनी सेवा देती हैं। उन्हें ठगों ने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताकर ठगी का अंजाम दिया है। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ सेक्शन 419, 420, 465 और IPC के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित KEM अस्पताल में सीनियर डॉक्टर के तौर पर सेवा देती हैं और उनका नाम डॉक्टर ब्लेसी एस्थर है। उन्हें 29 फरवरी को एक अज्ञात नंबर से फोन आया और फोन करने वाले ने खुद को एक कुरियर कंपनी का कर्मचारी बताया। कॉल करने वाले ने कहा कि मुंबई एयरपोर्ट पर ब्लेसी के नाम पर एक पार्सल आया है, जिसमें 5 पासपोर्ट, 3 क्रेडिट कार्ड और 140 ग्राम ड्रग्स के अलावा कपड़े और लैपटॉप है। कॉल पर जब महिला डॉक्टर ने कहा कि उन्हें इस पार्सल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो कॉल पर कहा गया कि आपके खिलाफ पुलिस शिकायत की गई है। इसके बाद डॉक्टर के पास एक वीडियो कॉल आया, जिसमें मुंबई पुलिस के लोगों को देखकर उन्होंने यकीन कर लिया सच में उनके खिलाफ शिकायत हुई है और पार्सल उन्हीं के नाम पर आया है। वीडियो कॉल के दौरान डॉक्टर को बताया गया कि उनके नाम पर कई सारे बैंक अकाउंट भी चल रहे हैं और उन अकाउंट का इस्तेमाल आतंकियों की फंडिंग के लिए हो रहा है। इसके बाद सभी अकाउंट को वेरीफाई करने और मामले को खत्म करने के लिए एक बार 48,000 रुपए और दूसरी बार 6,80,000 रुपए ट्रांसफर कराए गए। ठगों ने पेमेंट कराने के लिए डॉक्टर के पास नवी मुंबई के आयुक्त मिलिंद भारंबे के जाली हस्ताक्षर के साथ साइबर पुलिस के लेटर हेड का एक पत्र भी भेजा था, जिससे वो डॉक्टर घबरा गई और उनके जाल में फंस गई। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस किस्से से आप सब लोग भी सीखेंगे और ऐसे फ्रॉड लोगों से बचने की पूरी कोशिश करेंगे। लोग आपके साथ फ्रॉड किसी भी तरह से कर सकते हैं, लेकिन आप किसी अननोन पर्सन को अपनी कोई बैंक डिटेल शेयर ना करें, ना ही ऐसे किसी को पैसे ट्रांसफर करें। आप वेरीफाई करने के लिए अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर भी मदद मांग सकते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।